नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल नॉलेज बैंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दसवीं के रिजल्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो शाम को ही निकल करके आ चुकी थी कि रिजल्ट मंडे को नहीं आने वाला, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि मंडे को आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए ये वीडियो मैंने नहीं डाली। लेकिन इन्फॉर्मेशन शाम को ही मिल चुकी थी, तो आज अमर उजाला न्यूज़पेपर में आ भी चुका है ये फाइनल होके कि रिजल्ट जो है आज नहीं आने वाला, कब आने वाला है। तो रिजल्ट जो है आपकी विज्ञान की परीक्षा होगी पहले, उसके बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। विज्ञान की परीक्षा किन किन बच्चों की होगी उसके बारे में अभी स्कूल में कंफर्म किया जाएगा कि कौन कौन बच्चे साइंस साइड लेंगे, ठीक है, और कौन बच्चे नहीं लेंगे। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से, जो भी स्टूडेंट्स हैं, पहले तो उनको यही बोलूँगा कि आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके ही और साथी हैं जिनके पास पहुँचना चाहिए, जिनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जो साइंस साइड लेंगे वो ही इसको भर सकेंगे या वही इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। लेकिन यदि आपने आईटीआई करनी है तो भी साइंस साइड ज़रूरी है, आपके पास साइंस होना ज़रूरी है। और यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो भी आपके पास साइंस होना ज़रूरी है, साइंस में पास होना ज़रूरी है। या फिर आप इससे रिलेटेड और कुछ कोर्सेज हैं जो 10th बेस पर हैं, ठीक है, और जिनमें साइंस आपसे कंपलसरी मांगा जाता है, कई सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज की यदि आप लिस्ट चाहते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं ऐसे, तो उसकी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी, मैं आपको दे दूंगा बना करके। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप यदि चाहते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं वैसे जो 10th में साइंस बेस्ड पर होंगे, मीन्स कि जिनमें आपके पास साइंस होना ज़रूरी है, कंपलसरी होना चाहिए वो कोर्सेज। तो आइए पहले इस न्यूज़ के ऊपर चलते हैं हम। देखिए, पहले विज्ञान की परीक्षा होगी, उसके बाद आएगा दसवीं का परिणाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो परिणाम था, परीक्षा परिणाम आज नहीं आएगा, ये शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के बाद बोर्ड ने बदला फैसला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं की जो परीक्षा जो कक्षा थी उसका परीक्षा परिणाम सोमवार को नहीं आएगा। सारी तैयारियां होने के बावजूद सरकार के निर्देशानुसार परिणाम फिलहाल रोक लिया गया है। अब पहले विज्ञान विषय की परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। जून के अंत में परीक्षा हो सकती है आपकी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार दसवीं का परीक्षा परिणाम विज्ञान विषय परीक्षा और मूल्यांकन के बाद ही घोषित किया जाएगा। यानी कि पहले आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद उसको चेक किया जाएगा और फिर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। उन्होंने बताया 11वीं विषय में विज्ञान संकाय लेने वाले विद्यार्थियों को सेकेंडरी के विज्ञान विषय की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मीन्स आप यदि साइंस साइड ले रहे हैं तो उनके लिए कंपलसरी है। बता दें कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण जो ये परीक्षा नहीं हो पाई थी, और विद्यालय पिछले हफ्ते चेयरमैन ने 8 जून को परिणाम घोषित करने की घोषणा की थी, लेकिन परीक्षा में देरी के चलते प्रदेश के जो है इतने सारे, कितने देख सकते हैं आप, 3,38,096 परीक्षार्थियों का भविष्य फैसला जो है लटका हुआ है, जिनमें 1,86,153 छात्र हैं एवं 1,51,943 छात्राएँ हैं, ठीक है। बोर्ड के जो सचिव हैं उनकी तरफ से तो बोला गया है कि सभी तैयारियां थी रिजल्ट की, यानी कि रिजल्ट रेडी था, लेकिन शिक्षा निर्देश के अनुसार, शिक्षा जो आपका विभाग है उसके निर्देशों के अनुसार रिजल्ट नहीं डाला गया है। बोर्ड स्कूलों से पूछेगा कौन से बच्चे चाहते हैं विज्ञान, जो दसवीं का जो परीक्षा परिणाम है वो भले ही रोक लिया गया हो, लेकिन यह स्थिति है कि विज्ञान की परीक्षा जो है आपकी, साइंस की जो परीक्षा है वो किन किन बच्चों की ली जाए, तो इस आधार पर स्कूलों से जानकारी ली जाएगी कि
और उसी आधार पर परीक्षा की तिथि तय की जाएगी आपकी, ठीक है। और मैं आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको मौका मिलता है स्कूल में कि आप साइंस का एग्ज़ाम ये दे दीजिए, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप साइंस का एग्ज़ाम दीजिए। आप भले ही साइंस लें या ना लें, या फिर आप ट्वेल्थ में चेंज कर लें, जो मर्ज़ी आपकी, लेकिन आप साइंस का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है आगे ट्वेल्थ के बाद आप आईटीआई करना चाहें, टेंथ के बाद आईटीआई करना चाहें, कुछ कंडीशंस इंसान की ऐसी हो जाती हैं कि आप अभी आईटीआई नहीं करना चाह रहे, लेकिन आने वाले कुछ 5 साल बाद में, 4 साल बाद में आईटीआई करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप अभी इस दिक्कत को ख़त्म कर दीजिए, अभी आपकी कुछ तैयारी भी है, तो आप अभी इस साइंस को क्लियर कर दीजिए, साइंस के एग्ज़ाम को, ठीक है। जैसे भी हो, कैसे भी करके आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, बोर्ड जिसका भी लें आप एग्ज़ाम ज़रूर दें। थैंक यू साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इसी टाइप की न्यूज़ के लिए, और आगे मैंने बताया था कि आप कोर्सेज के लिए कि साइंस बेस्ड कोर्सेज कौन से हैं जिनसे आपको जॉब मिल सकती है, उनकी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू।